Welcome to mathematics class of class 7. We have started chapter number 2, fractions and decimals. Today we are going to discuss about multiplication of decimal numbers. You all are familiar with this multiplication. Now the question is how decimal is to be placed. Okay, so let's take an example, and through an example I'll tell you how to place a decimal and where to place a decimal. Okay, let's start. According to your book, page number 47, I am taking example number 1, part number 1. It's 1.7 multiply 0.13. You all know how to do multiplication. Just ignore these decimals first and do multiplication. 17 multiply 13. This one. Okay. आप पहले ये चीज़ देखिए. 21. It's 5 multiplication 7. It's 1, 1, 2, 2. अब ये देखिए रिजल्ट क्या है आपका 221. ये आप सभी को पता है कि मल्टीप्लीकेशन इस तरह से की जाती है. बट अब पॉइंट क्या है हमारा कि हम डेसिमल कैसे प्लेस करेंगे. अब देखिए डेसिमल कैसे प्लेस करेंगे. अब यहाँ डेसिमल के पास कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट. ये आपको लिखना नहीं है, आपको जस्ट सिर्फ पता होना चाहिए. स्टार्टिंग में आप लोग ये समझिए, उसके बाद आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा. यहाँ डेसिमल के पास कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स. आपके टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 1 डिजिट प्लस 2 डिजिट्स, आपके कितनी हो गई, 3 डिजिट्स. ओके, तो आप देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे डेसिमल प्लेस करने के लिए, राइट साइड से डिजिट्स काउंट करेंगे. 3 डिजिट्स के बाद आप क्या लगा देंगे डेसिमल, 1, 2, 3. Let's check it again. 1, 2, 3. तो यानी कि आपका डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, 0.221. क्लियर स्टूडेंट्स, 0.221. क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स बनी थी, हमने राइट हैंड साइड से हम डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे. राइट, डेसिमल से पहले कोई वैल्यू नहीं आ रही हमारी, तो हम वहां पे 0 लगाएंगे. ओके फाइन स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ योर एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर आई. इट्स 238.06 मल्टीप्लाई 7.5. ओके, लेट्स सॉल्व इट नाउ. फर्स्ट विल इग्नोर द डेसिमल्स, विल इग्नोर द डेसिमल एंड डू सिंपल मल्टीप्लीकेशन. 238.06 multiply by 75. Now this is easy for you. You will get 0, 3, 0. It's 9, 11. Multiply 2, 4. We are 6. Then 6, 1. 0, 5, 4, 5, 8. So this is your result. Now again the question is where will you place the decimal. Now see here, after decimal how many digits, 2 digits.
आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स? वन डिजिट. टोटल डिजिट कितनी हो गई आपकी? थ्री डिजिट्स. तो आप देखिए, अब आपके सॉल्यूशन में थ्री डिजिट्स आप राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे. वन वन इज फर्स्ट, कौन सी आपकी? जीरो. वन टू थ्री, तो आपका डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहां पर. ओके, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1785.450. ओके, आप डेसिमल क्लियर है आपको? ओके, सीरीज अगेन थ्री डिजिट काउंट करेंगे आप फ्रॉम राइट हैंड साइड. वन टू थ्री, और यहां पर आप अपना डेसिमल प्लेस कर देंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप इट्स क्लियर टू यू. इट्स वेरी वेरी इजी. सिर्फ आपको राइट हैंड साइड का ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड से हम डिजिट्स काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी बन रही है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर टू ऑफ योर बुक, पेज नंबर 48. नाउ एग्जांपल नंबर टू. The side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter. Find its perimeter. What is equilateral triangle? Equilateral triangle होती है आपकी जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल. अगर ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी आपकी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स. क्लियर है? तो इन सभी साइड्स का आप सम करेंगे तो वो क्या होगा आपका? पेरीमीटर. लेट्स स्टार्ट. लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5. ये सब क्या है? सेंटीमीटर्स में. तो आप इनको कॉमन लेके यहां से क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर. ओके, 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, ये आपका तीनों साइड्स का सम आ गया. टोटल क्या आ गया आपका? 10.5 सेंटीमीटर. ओके, अब ये देखिए, आपने इनको ऐड बहुत ध्यान से करना है. देखिए क्या ये डू रफ वर्क ऑन राइट हैंड साइड. 3.5, नेक्स्ट क्या है? 3.5, इसी के नीचे लिखेंगे आप. नेक्स्ट इज अगेन 3.5, इसी के नीचे लिखेंगे आप. ओके, सबसे पहले कहने का मीनिंग ये है, अगर आपकी सपोज ये तीनों 3.5 है, अगर कोई आपकी 3.56 हो जाती तो आप क्या करते? इन सबको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते. लाइक डेसिमल्स मीन्स कि जो आपके डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सेम होनी चाहिए. यहाँ तो आपकी 2 है, यहाँ 1 है. देन व्हाट विल यू डू इन दिस केस? आप जहां पे सेम नहीं है वहां आप क्या करेंगे? उसकी जगह 0 प्लेस कर देंगे. क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. सिर्फ ये क्या है, हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गया, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती. ओके, फाइन स्टूडेंट्स. तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा? सॉरी, लाइक डेसिमल बन जाते हैं. ओके, नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन. आप इन दोनों को ऐड करेंगे. क्लियर?
ओके नाउ एग्जाम्पल नंबर थ्री. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर. वॉट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का पता है आपको सबको क्या होती है? रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल. लेंथ आपको गिवन है 7.1 सेंटीमीटर. अगर ये 7.1 है तो ये भी क्या होगी? 7.1. ब्रेथ कितनी आपकी है? 2.5 सेंटीमीटर. तो ये भी क्या होगी आपकी? 2.5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7.1 सेंटीमीटर. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2.5 सेंटीमीटर. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है आपकी? 7.1 सेंटीमीटर. इट्स 2.5 सेंटीमीटर. एंड वेन एवर यू विल मल्टीप्लाई दीज टू, व्हाट विल यू गेट? ओके, लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन. क्या है यहाँ पर आपका? 7.1 इंटू 2.5, यू इग्नोर द डेसिमल्स. हम क्या लेंगे? 71 इंटू 25. आप यहाँ पर भी कर सकते हैं. आई डोंट हैव मच स्पेस सो आई एम डूइंग इट इन रफ वर्क. तो आप देखिए 71 इंटू 25 आपका ये क्या हाल है? 55 मल्टीप्लाई 55. ओके, ये आ रहा है आपका. अब अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन? वेयर आई हैव टू प्लेस द डेसिमल? क्या है हमारे पास? 7.1 इंटू 2.5. अब ये देखिए, पॉइंट के बाद वन डेसिमल है, यहाँ भी पॉइंट के बाद वन डेसिमल है. सॉरी, पॉइंट के बाद वन डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद वन डिजिट है. टोटल कितने डिजिट हो गए आपकी? टू डिजिट. तो राइट हैंड साइड जब आप डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, तो यहां पर आपका डेसिमल लग जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 70.75. ये क्या है? सेंटीमीटर और समथिंग एल्स? एरिया. सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है? एरिया. एरिया की यूनिट क्या होती है? स्टिल अगर आप भूल जाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे आपने यूनिट लिखी हुई है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट इज मस्ट. आप यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे किसी भी केस में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज रूपीज 24.75. Find the cost of 2.8 meter cloth. Again, the question is very easy. The only thing that you need to remember how to place the decimal. Okay. Cost of 1 meter cloth is given. Cost of 1 meter cloth is equal to rupees 24.75. Now, what you have to find out? Cost of 2.8 meter cloth. क्या करेंगे इस केस में आप? एक ही ली हुई है, आपको ज्यादा की फाइंड आउट करनी है. तो देन यू विल, व्हाट विल यू डू? मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो 24.75 मल्टीप्लाई 2.8.
ओके सो अगेन व्हाट विल वी डू इग्नोर द डेसिमल्स एंड डू मल्टीप्लीकेशन 2475 मल्टीप्लाई 28 ओके डू इट इन योर नोटबुक हरे हरे डोंट सी लुक ऑन द बोर्ड ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ इट्स वेरी इजी Get the answer. Okay. Here is my answer. 69300. Now see where I have to place the decimal. Here are two digits after decimal. Here is one digit after decimal. Total कितने digits हो गए? Three digits. How many digits? Three digits. तो अब राइट हैंड साइड से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 सी है अगेन 3 डिजिट्स है राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे क्लियर तो हमारा आंसर क्या आएगा कॉस्ट ऑफ 2.8 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू रुपीज कितना है यहाँ पे डेसिमल यहां लगेगा 69.300 ओके ओके स्टूडेंट्स सी एक चीज और देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारे 3000 आई तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 69.30 क्यों लिखा 30 जो आपको पता है ये हंड्रेड्स में है तो हंड्रेड्स में है तो ये 30 पैसे हम काउंट कर रहे हैं 69 रुपीज 30 पैसे ओके स्टूडेंट्स होप द डेसिमल पार्ट इज क्लियर टू यू हाउ टू प्लेस द डेसिमल आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड Now you will be able to solve few questions of your exercise. Thank you. Bye-bye.